हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हमारी जो वीडियो है उसके अंदर हम करने वाले एक नई टॉपिक जिसका नाम है बजट लाइन। दोस्तों, लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो इंडिफरेंस कर्व किया था उसकी प्रॉपर्टीज की थी, और अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो पहले पीछे जाके क्लास देखो, उसके बाद इस क्लास पर आना, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पास बजट लाइन की। दोस्तों, बजट लाइन आपको समझ आ गया हो कि कहीं ना कहीं इसमें हम बजट की बात करने वाले हैं, यानी पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई बात करने वाले हैं। अभी मैंने ये चीजें कुछ लिखी हुई है, आप इन सभी चीजों को इग्नोर मारो क्योंकि मैं आपको डेफिनेशन बनाना सिखाऊंगा। समझ रहे हो ना कि बजट लाइन की डेफिनेशन आपके मुंह से खुद निकले एकदम, मतलब आप रोक भी रहे हो ना तो भी निकल रही है बजट ऐसे, समझो। मतलब ये नहीं कि मैडम पूछे और आपको मैडम पूछे बताओ बजट लाएंगे और बजट लाएंगे, खींच के पढ़कर चार्टे चेक हो जाएंगे, याद रखना। ऐसा नहीं करना आपको, मैं आपको बता दूं बजट लाइन कैसे करना है, ठीक है, या क्या होती है वो हम बताते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान से सुनो, वो ये है, इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना। सपोज करो कि एक कंज्यूमर है, ठीक है, उसकी जो इनकम है या जो उसका जो बजट है वो है 20 रुपए का। मतलब 20 रुपए का बजट है, क्या इंसान है यार, चलो कोई बात नहीं, हमारी तरह कोई। 20 रुपीज टू बी स्पेंड ऑन टू गुड्स, और वो दो कॉमोडिटीज या दो गुड्स पर वो पैसा खर्च करना चाहते हैं, और वो है एप्पल और बनाना। एप्पल एप्पल एप्पल, ये देखो एप्पल, मैंने यहां से देखकर ये बनाया, बता आपको, बस आपको ये जूठा है और ये जूठा नहीं है। दोस्तों, आपको जूठा थोड़ी खिलाऊंगा, मैं खुद खा सकता हूँ जूठा, और दोस्तों वैसे भी उधार का है मेरा, ठीक है, दिखाने के लिए बस। चलो, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये एप्पल है और ये बनाना है, ठीक है। अब इसने कहा इफ द प्राइस ऑफ एप्पल इज ₹4 each, यानी एक एप्पल कितने का है 4 का, और एक बनाना कितने का है 2 रुपए का। देखो बनाना ही है ना, चलो एप्पल 4 रुपए का है और बनाना 2 रुपए का है, और उसकी जेब में कितने रुपए हैं 20 रुपए, यानी इन दोनों को वो खरीदेगा विद हिज लिमिटेड इनकम, दैट इज ₹20। बोलो क्लियर हुआ। तो अब हम जरा इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। बोलो क्या बनाते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो आप मेरा साथ देना, ठीक है। साथ कुछ इस तरीके से है कि हम यहां पर लिखेंगे कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस में लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, अगर अपने नर्सरी में पढ़ा होगा तो। बोलो क्या कहते हो, चलो कॉम्बिनेशन आ गया ए बी सी डी ई, और एफ बी ले ले क्या, चलो ले लेते हैं, बोलो हा हा हा, ज्यादा नहीं करना। अब यहां पर हम अपने पास लेते हैं लाइक, बोलो क्या लें हम, चलो एप्पल ले लेते हैं, ठीक है, और फिर एक ले लेते हैं बनाना, बनाना। चलो अब एक बात बताओ, हमने एप्पल खरीदा ही नहीं, यानी हमने अपनी 20 रुपए की पूरी इनकम को किस पर खर्च कर दिया, सिर्फ बनाना पे खर्च कर दिया। सो जो 20 रुपए की इनकम से 2 रुपए का एक बनाना मिलता है, तो 20 रुपए से कितने मिलेंगे 10, समझ रहे हो ना। 20 डिवाइड बाय 2, यानी सारी इनकम हमने किस पर खर्च कर दी, बनाना पे, तो हमने कितने बनाना खरीद लिए होंगे 10 बनाना खरीद लिए होंगे। फिर हमने क्या किया, एक एप्पल परचेज किया। दोस्तों जब एक एप्पल परचेज किया तो 4 रुपए चले गए, बचे कितने 16 रुपए, 16 रुपए से ये खरीदने, 16 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 8 आ गया, क्यों भैया हम 20 रुपए से ऊपर तो खर्च कर नहीं सकते हैं। आपको जो मैं एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूं ये समझ आ रहे हैं, अरे समझ आ रहे हैं ये बताओ, क्लियर है ना। चलो इसके बाद फिर हमने 2 एप्पल खरीदे। दोस्तों 4 रुपए की 2 एप्पल खरीदे तो कितने रुपए गए 8 रुपए, 20 में से आ रही है तो 12, 12 डिवाइड बाई 2, यानी 6 यूनिट ऑफ बनाना के खरीद पाओगे। अब आप करके देख लो कैलकुलेट, 2 रुपए के 4 रुपए के 2 एप्पल 8 रुपए प्लस 6 रुपए, 6 बनाना 2 रुपए के 12 रुपए, 12 और 8 20 रुपए हो गए, देखो पूरे पूरे। इसके बाद आपने 3 एप्पल, 3 एप्पल कितने रुपए के हो गए 12 रुपए के, बचे कितने 8 रुपए, 8 डिवाइड बाई 2 कितना आया 4। फिर आपने 4 एप्पल खरीदे, कितने रुपए खर्च हो गए 4 4 16, 16 रुपए खर्च हुए, बचे कितने 4, 4 रुपए से 2 रुपए के बनाना कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। फिर आपने 5 एप्पल खरीदे, ध्यान देना 5 एप्पल, 5 4 20, 20 रुपए पूरे खर्च हुए, एंटायर इनकम विल बी स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ एप्पल, हेंस द बनाना विल 0, बनाना कितना हो जाएगा 0 रहे, नहीं हमने बनाना कुछ भी खरीदा ही नहीं। ये कॉम्बिनेशन, ये शेड्यूल समझ आया, पहले ये बताओ अपनी लिमिटेड इनकम के साथ हमने दो गुड्स के क्या बनाए कॉम्बिनेशंस बनाए, इतनी चीज आपको क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया जिससे ये कॉम्बिनेशन बने। हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो क्या है कि जो हमारी इनकम है वो हमेशा बराबर होगी प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इंटू में क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स, राइट, प्लस
फिर हमने क्या किया, प्राइस ऑफ गुड्स वाई इनटू में क्वांटिटी ऑफ गुड्स वाई, बोलो क्लियर है? आप ये फॉर्मूला, ये चीज यहां पुट करके देखो, आपकी इनकम के बराबर आ जाएगा। इसी बेस से हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक है दोस्तों। चलो अब एक काम करते हैं, यहां पर हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक सुंदर सा ग्राफ। क्या बनाते हैं? ग्राफ, GRAPHS, ग्राफ। तो चलो अब बताओ एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, बताओ आप लोग। एक्स एक्सिस पे आएगा हमारा गुड्स, एक्स, एक्स बोले तो एप्पल, 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 और गुड्स वाई, वो कॉम्बिनेशन वाई पे क्या आएगा, बनाना। क्या आएगा? बनाना, ठीक है। मैडम पूछे क्या है, बनाना। चलो एप्पल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनाना, 2, 4, 6, 8, 10 बनाना। चलो एप्पल कितना है, 0, एप्पल 0, ये रहा। बनाना कितना है, 10, ये लो। इसके 1 पे 8, 1 एप्पल का ये रहा, बनाना का 8, ये रहा। 2 पे 6, 2 ये रहा, 6 ये रहा, बोलो किसका, बनाना। आओ 3 पे 4, 3 ये रहा, 4 बनाना। 4 पे 2, 4 ये रहा, 2 ये रहा, बोलो। अब मैं नहीं बोलूंगा, पागल थोड़ी हूं। 5 पे 0, 5 ये रहा, 0 ये रहा। अब आप एक लाइन ड्रॉ करो इन सबको मीट करते हुए, ये लाइन आ गई। ये बिल्कुल ना, अगर आप, मैंने थोड़ी सी इसे कर्व में बना दिया, अदरवाइज ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है, ये ना बिल्कुल देखो, अगर आप इसे स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये हमारा कॉम्बिनेशन ए, ये है कॉम्बिनेशन बी, सी, डी और ई और एफ, ठीक है दोस्तों। ये जो लाइन बनी है, दिस लाइन इज कॉल्ड बी आर बजट लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं बजट लाइन। दोस्तों अभी मैंने डेफिनेशन नहीं समझाई है, उसका बेस तैयार किया है ताकि डेफिनेशन आप बनाना सीख जाओ। वो बेस क्या तैयार किया है कि जब हम अपनी लिमिटेड इनकम से दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को बनाते हैं और उससे जो ग्राफ बन के तैयार होता है, उस ग्राफ को क्या नाम देते हैं, बताओ, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस ग्राफ को क्या नाम दूं, क्योंकि पैसा आ गया दो दो तो दो गुड्स आ गए, तो क्या नाम दिया, बजट लाइन दिया। बोलो क्लियर हुआ? तो अब अगर आपसे मैं बोलूं कि आप बजट लाइन की डेफिनेशन खुद बनाओ, तो कैसे बनाओगे? बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्योंकि ये कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनल अप्रोच, जिसमें दो गुड्स के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फेक्शन एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट विद हिज और हर लिमिटेड इनकम इज कॉल्ड बजट लाइन। बोलो क्लियर हुई डेफिनेशन या नहीं हुई? फिर से बोलू, बजट लाइन एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का, और प्रत्येक स्तर पर उसका जो संतुष्टि का स्तर है वो एक समान होता है अपनी लिमिटेड इनकम के साथ, जिसे क्या बोलते हैं, बजट रेखा बोलते हैं। ये तो पूरा मैंने हिंदी वर्जन बोल दिया आप लोगों के सामने। बोलो क्लियर हुई चीज? तो बजट लाइन क्या है, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फेक्शन एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट विद लिमिटेड इनकम इज कॉल्ड बी अ बजट लाइन। दोस्तों बजट लाइन का एक और नाम होता है प्राइस लाइन। क्या होता है? प्राइस लाइन। कॉपी पे नोट कर लो। अब देखो मैं इसकी डेफिनेशन को लेकर आ गया आपके सामने, तड़ा देखो, अरे अरे आपको आगे इसका मतलब, देखो बजट लाइन और प्राइस लाइन क्या है, इट इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फेक्शन एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट विद हिज और हर लिमिटेड इनकम। बोलो क्लियर है? अच्छा एक चीज और बताओगे आप मुझे, वो एक चीज और ये है कि बस ये बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं इसकी इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन इनकम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई। दोस्तों इसी से तो अभी हमने अपना कॉम्बिनेशन बनाया था, तो हमने डिफाइन लिखी, उसके जो हमारे पास इक्वेशन है वो लिखी, एग्जाम्पल लिखा, और फिर हमने क्या किया, शेड्यूल्ड बनाया, स्केड्यूल बनाया, और स्केड्यूल के बाद हमने क्या बनाया अपने पास, डायग्राम ड्रॉ किया। बोलो क्लियर हुआ? तो बजट लाइन यही होती है, कुछ और नहीं होती, ठीक है।
अब इसमें एक छोटा टॉपिक और आता है, बजट सेट या फिर बजट मैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट सेट या बजट मैप। तो वो छोटा टॉपिक और कर लेते हैं, बजट सेट या फिर इसका एक और नाम होता है बजट मैप। तो क्या होता है जरा देखते हैं, क्या होता है जरा देखते हैं। आप सोच रहे हो आज मुझे क्या हो गया। दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते ना, जानते हो ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं ये इस टाइम रात के 3:30 बज रहे हैं। आप सोचो रात के 3:30 बजे कोई बंदा अगर पढ़ा रहा हो चिल्ला चिल्ला के, तो अपने आप को बूस्टअप करने के लिए ऐसी पागलों जैसी हरकत तो करेगा कैसे। चलो आप पगलू की हरकत बेकार करनी है, बस अपने आपको मैंने बूस्टअप कर लिया। आप लोगों का साथ और प्यार जो है वो मुझे रात के 3:30 बजे तक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो चलिए, बजट सेट और बजट मैप क्या होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बजट लाइंस। यानी अगर हम एक मैप पे कई सारे बजट ड्रॉ कर देते हैं बजट लाइन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बजट सेट या बजट मैप बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ। यानी कि अगर मैं एक ही ग्राफ पे कई सारी बजट लाइंस बना दो, तो दिस फैमिली इज कॉल्ड बी अ बजट मैप या फिर बजट सेट। बोलो क्लियर हुआ। चलो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है बजट लाइन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज या फिर आप इसे फीचर्स भी बोल सकते हो। कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया आपने तो कुछ नई चीज कराई है। प्रॉपर्टीज कह लो या फीचर्स कह लो ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं या क्या फीचर्स होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब क्या क्या होगी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि बजट लाइन स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो क्या हम लिखेंगे कि जो बजट लाइन है, आपने देख लिया बजट बिल्कुल सीधी ड्रॉ होती है। क्यों होती है, उसके पीछे रीजन आप मुझे बताओगे आखिर बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों होती है। तो हम पहले तो ये लिखेंगे कि बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व। अच्छा, स्ट्रेट लाइन कर्व क्यों होता है, रीजन दे सकते हो आप लोग। आपको याद है फर्स्ट चैप्टर में पीपीसी कर्व कॉन्केव क्यों होता था, इंक्रीजिंग एमओसी की वजह से। फिर इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता था, डिक्रीजिंग एमआरएस की वजह से। इसी तरह से बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, क्योंकि यहां पर आपका जो एमआरएस है वो कॉन्स्टेंट है। अगर मैं यहां पर एमआरएस निकालने बैठ जाऊं ना, एमआरएस का मतलब होता है एक चीज को पाने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस। पहला डैश होगा एप्पल की एक यूनिट को पाने के लिए, बनाना की दो यूनिट का सेक्रीफाइस किया। एप्पल की एक यूनिट को पाने के लिए दो यूनिट का सेक्रीफाइस किया। एप्पल की एक यूनिट को पाने के लिए बनाने की दो यूनिट का सेक्रीफाइस किया। एप्पल की एक यूनिट को पाने के लिए बनाने की दो यूनिट का सेक्रीफाइस किया। एप्पल की एक और यूनिट को पाने के लिए बनाने की दो यूनिट का सेक्रीफाइस किया। आप देख पा रहे हो इसमें एमआरएस क्या है, कॉन्स्टेंट है। जबकि याद है जब हमने अपने पास इंडिफरेंस कर्व किया था, तो उसमें देखो ये बढ़ रहा था, जिस वजह से क्या बना, कॉनकेव बना। लेकिन यहां पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना, ना कॉनकेव ना कॉन्वेक्स बल्कि स्ट्रेट लाइन बना है। क्यों, क्योंकि इसमें एमआरएस क्या है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट है। आप देख सकते हो 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2। बोलो क्लियर हुआ। तो अब हम यहां रीजन लिख सकते हैं, आपको समझ आ गया कि बजट लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन कर्व क्यों है। बिकॉज एमआरएस इज कॉन्स्टेंट। एमआरएस क्या है, इसमें कॉन्स्टेंट है। बोलो क्लियर हुई बात। नाउ पॉइंट नंबर टू, बजट लाइन इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब दोस्तों इसका आंसर आप दोगे, रीजन दो क्यों होता है, आर ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि दो वेरिएबल में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। पंडित गिरी हाथों की रेखा, याद करो। अब यहां पर बताओ ये एप्पल घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो बनाना कम हो रहा है, कैसे रिलेशन है दोनों में, इनवर्स रिलेशन है। एप्पल बढ़ रहे हैं, बनाना कम हो रहा है, कैसे रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जिन डायग्राम जिन वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, उनके डायग्राम क्या बनते हैं, नीचे की ओर गिरते हुए बनते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हम लिखेंगे ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप। इसका रीजन क्या देंगे, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप। बोलो आपको बजट लाइन के फीचर्स समझ आए, तो ये थे बस, कोई ज्यादा खास इसके फीचर्स नहीं थे। ठीक है, ये था आपका बजट लाइन के फीचर्स। अब क्या होता है दोस्तों, बजट लाइन में ना कुछ इफेक्ट्स आते हैं। वो इफेक्ट्स क्या आते हैं,
वो सुनना आप मेरी बातों को ध्यान से। जो बजट लाइन होता है, अब हम टॉपिक डालेंगे इफेक्ट्स ऑन द बजट लाइन। दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब आप कहोगे सर क्या ये ए ग्रेड का क्वेश्चन है? नहीं दोस्तों, हर क्वेश्चन ए ग्रेड का थोड़ी होता, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी मैं आपको पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे ही बता दूंगा, 40 नंबर में से 35 या 30 नंबर का पेपर तो मैं आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन आने वाले, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी और पेशेंस लेवल भी रखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जो मैं बताऊंगा एग्जाम में सेम डिटो वही आएगा, आप देख लेना, ठीक है? चलो अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन द बजट लाइन। बजट लाइन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो ध्यान देना बजट लाइन के दो टाइप से इफेक्ट होते हैं। दो टाइप से इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में क्या आया है, चेंज आया है। और दूसरा होता है चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, चेंज इन price of the commodity, change in price of the commodity, या तो commodity की price में change आएगा या income में change आएगा, ठीक है? ये दो तरीके से budget line पे effect पड़ता है। दोस्तों जब हम इसकी बात करेंगे ना, तो इसमें तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। वो सिंपल सा फंडा क्या है कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो उसके कॉम्बिनेशंस में भी चेंज आ जाता है। जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां एक्स एक्सिस पर आता है हमारा गुड्स एक्स, बोलो क्या आता है, गुड्स एक्स आता है, और यहां पर क्या आता है, गुड्स वाई आती है। क्या आती है, गुड्स वाई आती है, ठीक है? अब बातों को ध्यान से सुनना, जब हमारी इनकम एक नॉर्मल लेवल पे थी तो हमारी जो बजट लाइन है वो इतनी आती थी, ठीक है? ए बी इज अ बजट लाइन। दोस्तों अगर इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, हम गुड्स एक्स की भी ज्यादा यूनिट खरीदेंगे और गुड्स वाई की भी ज्यादा यूनिट खरीदेंगे। और इकोनॉमिक्स का एक फंडा है कि जब कभी भी कोई चीज बढ़ती है तो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, जिस वजह से अब मैं अपनी कर्व की जो पोजिशन है वो देखो कहां करने वाला हूं, राइटवर्ड शिफ्ट करने वाला हूं। ये देखो जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं गुड्स एक्स की भी ज्यादा यूनिट खरीदूंगा और गुड्स वाई की भी ज्यादा यूनिट खरीदूंगा। ये क्या लाइन दिखाती है, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इंक्रीज इन इनकम, बोलो समझ आया? लेकिन हमारा मेन पीपीसी, मेन जो बजट लाइन है वो तो ये है। अब आप बताओ कि अगर एक कंज्यूमर इस लाइन पे है और उसकी इनकम कम हो गई है, तो कम होने से वो गुड्स एक्स की भी यूनिट कम खरीदेगा, गुड्स वाई की भी यूनिट कम खरीदेगा। ऐसे में उसका जो बजट लाइन है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और जो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा वो क्या बताएगा, डिक्रीज इन इनकम। क्या बताएगा, डिक्रीज इन इनकम। कंज्यूमर की इनकम क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है, डिक्रीज हुई है। बोलो क्लियर हुआ? तो ये टॉपिक हमारा था चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब एक इनकम कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो बजट लाइन पर उसका इफेक्ट ये पड़ता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है अगर इनकम इंक्रीज होती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है अगर इनकम डिक्रीज होती है। बोलो ये चीज समझ आई है? अब हम बात करते हैं अपने पास चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। दोस्तों चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी के अंदर तीन केस आते हैं, वो तीन केस ये आते हैं, या तो दोनों ही कॉमोडिटी की प्राइस में चेंज आया हो, या सिर्फ चेंज आया हो प्राइस गुड्स एक्स में, या चेंज आया हो सिर्फ प्राइस वाई में, तब हम बात करते हैं, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो चेंज आया गुड्स एक्स में, खाली गुड्स एक्स में, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो गुड्स एक्स में ही अगर आपका चेंज आता है तो आपका मेन पीपीसी कर्व ये है ना, जिसमें हम गुड्स एक्स को यहां पर लेते हैं और गुड्स वाई को यहां पर लेते हैं, ठीक है? अब एक बात बताओ कि अगर हमारे गुड्स एक्स में चेंज आया तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम सिर्फ चेंज किस में लेकर आएंगे, गुड्स एक्स में। ये देखो गुड्स एक्स कहां शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड, हमारा मेन पीपीसी कर्व ये रहा, ठीक है? अगर हमारी इनकम बढ़ेगी और सिर्फ हम गुड्स एक्स पर चेंज लाते हैं उसका, तो गुड्स एक्स बढ़ जाएगा, यानी प्राइस अगर सस्ती होती, ध्यान से सुना, गुड्स एक्स का प्राइस सस्ता हो गया तो एक्स की यूनिट हम ज्यादा खरीदेंगे, और अगर एक्स महंगा हो गया तो गुड्स एक्स पर खर्चा कम कर देंगे, ये पीछे की ओर हो जाएगा, बस सीधा संबंध है। इसी तरह प्राइस ऑफ वाई है, प्राइस ऑफ वाई में आप क्या करोगे, यहां पर मैं बना के दिखा देता हूं, ये हमारा मेन पीपीसी कर्व है। अगर गुड्स वाई की प्राइस कम हुई है तो हम यूनिट्स बढ़ा देंगे, यूनिट्स बढ़ा देंगे, और अगर ज्यादा हुई है, प्राइस ज्यादा हुई है तो उसकी कंजम्पशन कम कर देंगे। बोलो क्लियर हुआ? चलो अगर दोनों में चेंज आया तो लिखेंगे व्हेन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स चेंजेस देन द बजट लाइन विल बी शिफ्टेड। अगर दोनों में चेंज आता है तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी, या तो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। बोलो क्लियर है? मेन जो कर्व है ना वो ये था,
मेन कर्व कौन सा था, ये था। तो यहां पर हमने अपने पास बात कर ली कि बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बजट सेट क्या होता है और इफेक्ट्स क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बजट। बाकी वीडियोस के लिए बने रहना नेक्स्ट क्लास तक।